चंद्रम शरण प्रपद्ये श्रीराम चरण शरण प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं स्वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का पाठ सरिता जी करना था लेकिन शायद दो दो चार मिनट बाद जुड़ पाएंगी, उसकी प्रॉब्लम है। सरिता जी जुड़ चुकी है भाई साहब। सरदार जी आप पाठ आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सरदार जी अनम्यूट करें। सरदार जी सरदार जी ऐसे लग रहा है मुझे इनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ बना समय गवाह है। सतीश जी आप भी आरंभ करें और जब और बहुत लोगों के समय आप देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है, आवाज आ रही है, तो कृपया सब सब म्यूट कर ले। मैं भी अपना म्यूट कर रहा हूँ। दुबे जी आप भी स्पीकर बंद कर ले। जय सिया राम। बाग उतड़ागु बिलो की प्रभु हरिषे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम सुख देश सियापति राम जय जय राम। चहु दिशि चितई पूछि माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संगी सखी सब सुभग सयानी गावहीं गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा भरनी न जाई देखी मनुमोहा मज्जनु करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गोदी निकेता पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग गरुमागा एक सखी सी संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई तेहीं देव दो तेहीं दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विभद सीता पही आई सासु दशा देख ली सखिन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हरस कर पूछे ही सब मृदु बैन देखन बाग कुंवर दुई आए भय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गोर किमि कहो बखानी गिरा नैन नैन बिनु बानी सुनि हरषि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी एक गहि नृप सुत तेई आली सुने जे मुनि संग आए काली जिनन रूप मोहनी डारी कीने सुबस नगर नर नारी भरनत छवि जय तय सब लोगु अवसि देखी हई देखन जोगु सासु बचन अति सिंह सुहाने दर्श लागि लोचन अकुलाने चली अग्र करि प्रिय सखि सोई प्रीति पुरातन लखन लखई न कोई सुमिरि सी अनारद बचन उपजी प्रीति पुनी चकित बिलो गति सकल दिसी जनु शिशु प्रगी सभी कंकन किंकिनी नूपर धुनि सुनि कहति लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन धुंधुबी दीनी मन सा विश्व विजय कह कीनी हस गई फिरी कित ए कहियो राति अमुख सचि भय नैन चकोरा भय बिलोचन चारु चंचल मन अंक कुचि निमित जे दिगंचल देखि सीय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नावा जनु विरंचि सब निज निपुनाई बिरजि विश्व गह प्रगति दिखाई सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गह दीप सिखा जनु बरई
सब रूप माँ कभी रहे जुठारी, कहीं पठ तरों विदेह कुमारी। शोभा भगनि प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय समय अनुहारी। तात जनक तन आय सोई, संत जग जई कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहस पुनीत मोर मनु शोभा। सो सबु कारण जान पिताता, पर कई सुबह अंग सुनु भ्राता। रघुवंचन कर सहज सुभाउ, मनु कुपंथ पगु धरियन काउ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपिने ऊपर नारी नहेरी। जिनके लहै नरिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु जीठी। मंगन लहै न जिनके अनाही, ते नर बल थोरे जग माही। करत बच कही अनुज सन मनसिय रूप लवान, मुख सरोद मद रंग छवि करई मधु कई पान। चितवति चकित चहूं दिस सीता, कह गई गए अपनि किशोर मनु चिंता। जह विलोक मृग सावक नैनी, जनते बरिस कमल सित सेनी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन लल जाने, हर चेतन निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हऊँ हरि हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह वै भोरी, करत ससी जनुचित बिचकोरी। लोचन मग रामी उदयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। तथा भवन से प्रगट भये तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल बिदु, जलद पटल बिलगाई। शोभा सीन सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीचे, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल चिरक शव बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटिर कछ भू गरवारे, नव सरोज लोचन रस नारे। चारु चिबक नासिका कपूला, हाथ पिलास मनु मोला। जाई मोहि पाही, जो शो की बहु काम न जाई। मणि मान शंभु कर गीवा, काम करब कर भुज सुमत समेत बाण कर दोना। सावर कुंवर सती सुखिलोना, हे हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान। देखि भान कुल भूषणई, बिसरा सखिन अपान। सिया पति राम जय जय राम, धरि धीर जुक आलि सयानी। सीतासन बोली गहि पानी, बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु। भूप किशोर देखि किन लेहु, सबिचि सिंह तब नयन उधारे। सन्मुख दो सिंह निहारे, नग सिधरे कि राम देखो बासुरी। पिता पनु मनु अति शोभा, मर पर बस सकिन लखी जब सीता। भयउ गर सब कहीं सबीता, पुनियाय हुए देरियां काली। अस कई मन बिहसी एक आली, भूर गिरा सुनिति अस्रप जानी। भयउ विलंब मात भय जानी मानी, हरि बड़ी धीर राम उद्याने। तिरी अपन कौपित बस जाने, देखन निसलग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरहि निरहि रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोरी। सियापति राम जय जय राम, ज्ञानि कठिन शिव चाप बिसूरति। चली आखि उर श्यामल मूरति, कबुज बिजात जान की जानी। सने शोभा गुण कानी, परम प्रेम मय मधुमति पीनी। चारु चित्त भीतिनी, नई भवानी भवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता। जगत जननी रामी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना,
देवी पूजा पद कमल तुम्हारे सुंदर मुनि सब हो सुखारे मोर मनोरथ जान ही नीचे बसहु सदा उर पुर सब ही के तीन प्रकटन कारण तेहि अति कहि चरण गहि वेदेहि विनय प्रेम बस भई भवानी कति माल मूरति मुसुतानी सादर सिंह प्रसाद सिरु धरेउ गोरी गौरी हरखु सिंह भरेउ सुनु ये सत्य शीश हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलि जाहि मनुराचा मनु जाहि राचेउ मिलि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीरु सनेह जानत राव रोई भांति गौरी असी मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सदै सराहत सियल नाई गुर समीप गगने दो भाई राम कहा सबु कोशिक पाही सरल सुभा उठ अपिचल नाई सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि असीस दुभाई दीनी सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे करि भोजन मुनि बल विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरि विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिं कर नाही जन्म सिंधु मुनि बंधु विशु दिन मलि विशु जनम सिंधु कुनि बंधु दिशु दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावतिनी चंदु बापुरो रंक सिया पति राम जय जय राम दकई बड़ई बिर इनि दुखदाई कृतई दाहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्र मातोही बैदे ही मुख पट तर दीने सुई कोई दोष बड़ु अनुचित कीने सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुरु पई चले निशा बड़ी जानी करि मुनि चरण सरोज प्रणाम सुपाई कीन विश्रामा निगत निसार नायक जागे बंधु बिलोक गहन अस लागे उयरु अनुन अवलोक हुताता पंकज को बिलोक सुख दाता भूले लखन जोगी युग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी अरुणोदय सुजे कुमुद उड़गन ज्योति समली जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय द्रपति बलहीन सियापति राम जय जय राम गप सब नखत करी उजियारी टारी न सही चाप सम भारी कमल गोप मधुकर खग नाना हरि के सकल दिशा दुसाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हई टूटे धनुष सुधारे उयव भानु बिनु शम तम नाका दुरे न सति जग तेज प्रकाश रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब गपन दिखाया प्रभु भुज बल महिमा उदगाटी कविटी धनु बिगटन परिपाटी बंधु भजन सुनि प्रभु मुसुगाने हो इच्छित सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया करी गुरु पही आए चरण सरोज सुभग सिर नाये सदानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए जनक बिनय तिन आई तुहा सुनाई हर्षे बोल दिए दो भाई सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय चलो तात मुनि कहे तब पठुआ जनक बुलाई
स्वयं बरु देखी अजाई सुगा धो दे बड़ाई लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई हर्षे मुनि तब सब सुनि भर मानी दीन असीस सब सुखमानी मुनि मुनि ब्रंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मसाला रंग भूमि आए गो भाई असि सुधि सदपुर बासिन पाई चले सकल वह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी देखी जनक भीर भय भारी सुचि सेवक सब लिए हकारी तुरत सगल लोगन पही जाओ आसन उचित दे ही सब काहू कही कर वचन विनीत विनीत तिन बैठा रे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी राजकुंवर के अवसर आए मनहु मनोहर तातन छाए गुण सागर नागर बर वीरा सुंदर श्यामल गोर शरीरा राज समाज विराजत रूपे उड़गन महुगन युग विधु पूरे जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत किन देसी तैसी देखई रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा धरे कुटिल रप सबुई निहारी मनहु मनहु भयानक मूरति भारी रहे असुर छल छो निपवेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा पुरवासिन देखे लो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई नारी बिलो कई हर की है निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप सियापति राम जय जय राम विदूषण प्रभु विराट मैं दीशा बहुमुख कर पग लोचन सीशा जनक जाति अब लो कहीं गैसे सज्जन सगे प्रिय लागही गैसे सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सब प्रीति न जाति बसानी योगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव सब सुखदाता राम हित तब भाई प्रिया सोसनी सुख नहीं कथनीया गुरु अनुभवति न कही सक हो कवन प्रकार कहे कभी को किशोर सुंदर श्यामल गोल तन गौर तन देश विलोचन चोर सियापति राम जय जय राम सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु तो सरल चंद निंदक मुख नीचे नीरज रयन भाव तेजी के चितवन चारु मारु मनुहरनी भावति हृदय जाति नहीं वरनी कर कपोल शुभ कुंडल लोला शिवर सुंदर मृदु बोला कुमद बंधु कर निंदक हाँसा प्रकृति विकट मनोहर नाका भाल विशाल तिलक झलकाही कजवि लोकी अलि अवलि जल लजाही पीत चोतनी शरणि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु गलगी वानु त्रिभुवन शिशुमा की सीमा कुंजर मणिकंठा कलित तुलसिका माल वृषभ कंद के हरि ठवनी बल निधि बहु विशाल कटितू नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञ उपबीत सुहाये नृसिंह मंजु महाचलिताये देखि लोग सब भये सुखारे इकटक लोचन चलचन तारे हरिषे जनपु देखि दो भाई मुनि पद कमल गए सब जाई करि विनती निज कथा सुनाई रंग रवनि सब मुनि दिखाई जय जय जान कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सब को निज निज रूख निज निज रुख राम सब देखा को न जान कछु मरम विशेखा हरि रचना मुनि गप सम कहेउ राजा मुदित महा सुख रहेउ सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दू बंधु तह बैठा रे महिपाल प्रभु देख सब गप ही हारे जनु राखे चूर बहतारे
असि प्रतीति सब के मन माही राम जाप तो रब सक नाही बिना बिनु भंजु भग धनुष विशाला भेदी की राम उदमाला अस विचारी गमन उधर भाई जस प्रताप बल तेज गवानी बियसे अपर भूख सुनी बानी ते अभिवेक अंध अभिमानी तोरे धनुष धाहु अवगा बिनु तोरे को कुवरे कुवरी बिहाह एक बार कालो किन हो एक समर तब हम सो यह सुनियावर महिप मुचुकामी धर्मशील हरि भगत सयानी की ये ब्याह विराम गर्भ दूरी करी न बन के जीति को सद संग्राम दशरथ के तन वासुरे व्यास बलव मज्जन गाल बजाई मन मूद कनि की भूख बुताई सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता जगत पिता रघुपति ही विचारी परिलोचन छवि लेहु निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि रे दो बंधु गंभूर निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि सरिता जी आप पढ़ना चाहेंगी आज वो दोहन दोहा संख्या बता दीजिए वो तो 45 के आगे सातवीं लाइन पांचवी लाइन सुंदर सुखद सकल गुण राशि चंदूर सी बिहाई राम गर्भ दूर कर नपन के जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे व्यर्थ में रहू जन गाल बजाई मन मोदक की भूख ताई सिख हमारी सुन परम पुनीता जगदम्बा जान हुए सीता जगत पिता रघुपति बिचारी भरलोचन छवि देहु निहारी सुंदर सुखद कल गुण राशि ए दो संभूर वासी सुदा समुद्र समीप समीप दिहाई मृग जल निर्मलाई करहु जाय जाहु जय भावा हम तो जो आज जन्म पर पावा अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे देखहि शुभ नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करहि कल गाना जानि सो अवसर सीय सीय तब पठई जनक बुलाई चतुर सखी सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सीय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उमा सकल मोहि लगुन उपमा सकल मोहि लगु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सीय बर नहीं ते उपमा दे सुकवि कहाई अजस को ले जो पट तरिय सीय समसिया जग अस जुगति कहा कमनिया गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जाने विश्व बारुने बंद प्रिय जेहि कही एव मासम किम वैदेहि छवि सुधा पयो निध होई परम रूप में पच्छत सोई शोभा रजु मंदरु नित मंदरु सिंगारु मते पानि पंकज निज बारु निज मारु एहि विध उपजे लक्ष तब सुंदरता सुख मूल कदपि सकोप सकोच समेत कवि कहिए सी ये समतूल चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सखिन बनाए रंग भूमि जब सिया पग धारी देखि रूप मोहे नर नारी हर्ष सुरन दुंद भी बजाई बरस सुमर सुन अक्षरा गाई पानी सरोज सोह जय माला अवचट चित सकल भूवाला सी चकित चित
राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा मुनि समेत देखे दो भाई लगे ललक लोचन निध पाई गुरुजन लाज समाज बड़े देख सी सब चाहे लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर रानि राम रूप सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेश सोचहि सकल कहत सकुचाहि विदसन विनय करहि मन मानी हरि विद देगी जनक जनक जड़ताई मति हमार अस दे सुहाई बिन विचार पन तज नर नाहु सिय राम कर करे विवाहु जग भल कहि बाव सब काहु सट हठ कीने अंत हु उरदाहु एहि लाल सा मगन सब लोग बरु सवा सावरो जान की जोगु तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहते चले आए कहन पु जाई कहो पन मोरा चली भाति हरस न थोरा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन पन विदेह कर कहे हम बुझा उठाए विशाल बल विद शिव धन राहु गर्व कठोर विदित सब काहु रावण रावण बान महाबट भारे देख सरासन गवहि सिधारे सुई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार परहि हटते ही सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट मानी अत सै मन माके पर कर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई तमकिता कितक शिव धन धरहे उठै न कोटि भांति बल करहि जिनके कछु विचारु मन माहि चाप समीप महीप न जाहि तमक धरन धन मूढ़ नप उठै न चलहि लजाई मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई भूप भूप सहस दसे कहीं बारा लगे उठावन तरई न तारा डके न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे सब नृप भय जो गोप हासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बस हारी श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलोक जनक कुलाने बोले पचन रोष जनसाने दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पन ठाम ठाना देव दनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय पावन हार बिरंज जनो रजे उन धन दमनी कहु काहि यह माला हुन भावा काहु न शंकर चाकु चढ़ावा रहु चढ़ावो तो रब भाई तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाहु लिखा न विधि मैं देहि विवाहु सुकृत जाई जो पन परिहर हो कुंवर कुंवारी रहो का करहु जो तन त्यो बिन भट भी भाई तो पन करि त्यो न हसाई जनक वचन सुन सब नर नारी देख जान की भय दुखारी माँ के लखन कुटिल भई भाव भौ में रत्न रद पट भर कत नयन रिसई कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन बान नाई राम पद कमल सिरु
भूले गिरा प्रमाण रघुवंशन महू जहा होई तेहि समास अस कहई न को कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनहु भान कुल पंकज भानु कहु सुभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंद कुव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिम डारो फोरी सकाओ मेरु मेरु मूलक जिम तोरी तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराण नाथ जाने अस आयस हो कौतुक कौतुक करो बिलो कैसो कमल नाल जिम चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण लै धाव तोरो छत्रक धिंड जिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुनाथ लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाने महि दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सीहिय हर्ष जनक सकुचान गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काहि सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र सब समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मृदुबानी उठौ राम भंजहु भव चापा मेटहु जतारित जनक परितापा सुन गुरु बचन चरण सिरु नावा हर्ष विषाद न कछुर आवा ठाड़े भय उठे सहज सुभाए ठवन जुबा मृदुराज लजाए उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिग से संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग नपन केर आसा निज नासी बचन बचन नखत अवले न प्रकाशी मानी महित कुमत सकुचाने कपटी भूप लोक लुकाने दय विशोक पोप मुन देवा बर सही सुमन जना महि सेवा गुरुपति बंद सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमांगा सहजहि सहजहि इधर शांत हो जाना तुम लोग विशोक कोप मुनि देवा बर सही सुमन जना वह सेवा गुरुपद गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमांगा सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंज कर बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरे तन भय सुखारी बंद पितर सुर सुकृत संभारे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु नरम लाल की नाई तो रहु राम गणेश गुसाई राम ही प्रेम समेत जस लखी सकिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाई सकी सब कौतुक देख निहारे जीव कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहें गुरु पाही ए बालक ऐसे रट बल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप कर दापा सोधन राज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सक विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लग गनिय नरानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोषं सुजस सकल संसार रवि मंडल देखत लघुलागा उदयता सुति भुवन तम भागा मंत्र परम लघु जासु बस विद हर हर सुर सर्व महामत गज गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर काम कुसुम धन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने
देवित जिए संसो अस जानी भंजत धनुष राम सुन राम सखी वचन सुनि भय परिति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक वै देही सब हृदय बिनवत जहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवान करहु सफल आपन सेवकाई करहि तुहरहु चाप गरुवाई गर नायक बरदायक देवा आज लगे की नेउ तुम सेवा बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरता अति थोरी देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल कुल कावली शरी नीके निरख नयन भरि शोभा पितुपन सुमिर बहु मन छोबा तात दारुन हट डाठानी समझत नहीं पछुला गुनहा सचिव सब सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कहा धन कुल सही चाहि कठोरा कह सामल मृत गात किशोरा विधि के ही भाति धरो उर धीरा सिरस सुमन कन बेनिये सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ तालु गन पर डारी नोई हरहु रघुपत ही निहारी अति पर ताप सी मन माही लव निमेश जुग सह समझाही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु ही चितै पुन चितव मही राजत लोल खेलत मन सिज मीन जुग न जुग जनु विद मंडल ढोल गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निसाव लोकी लोचन जल रह लोचन को ना जैसे परम कृपन कर सो सकुची व्याकुलता बढ़ जाई धर धीरज प्रतीत राम तन मन बचन मोर पन साचा रघुपति पत सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कैदासी जहि के देन जहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलै न कछ संदेह प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सिंह बिलो की तके उधन कैसे चितो गरुर लघु व्याल ही जैसे लखन लख्यो रघुवंश मनी ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले वचन वचन चरण चाप ब्रह्मांड दिस कुंज रहु कमठ अहिलो कोला धरहु धरनि धर धीर न डोला राम चहै शंकर धन तोरा हो सजग सुनि आए सुमोहा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकत मनाए सब कर संसो अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति रघुपति केर गरब गरुवाई सुर मुनि बरन केर कदराई सिय कर सोच जनक पछितावा रानी नित कर दारुन दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहित पाई चले जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चाहत पारु नहीं को कड़हारु राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे चितैसी कृपायतन जानी विकल विषले देखी विपुल विकल विकल वैदेही निमिष निमिष बिहात कल्प समते प्रसित बारी बिन जो तन त्यागा मुवे करई का सुधा तड़ागा का बरसा सब कृषि सुखानी समय चुके पुनित का पछताने अस जी जान जान की देखी
प्रभु कुल के लखी प्रीत विषय की गुरहि प्रणाम मनहि मन की ना अति लाघौ पुठाई धनु लीन दम के दामिन जिम जब लयउ पुण्य नभ धनु मंडल समुदय लीत चढ़ावत खैचै गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े तेहि चन राम मध्य धन तोरा बरी भुवन धुनि घोर कठोर बरी भुवन घोर कठोर रवि है रव रवि बाज तज मारग चले चेक रही दिख गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुन कर दान दीने सकल विकल विचार ही को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार ही शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ से सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस प्रभु दूजाप खंड मही भदारे देख लोग सब भय सुखारे कौशिक ही रूह कौशिक रूप पयो निध पावन प्रेम बारे अब गाहु सुहावन राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी बाजे नब गहे गहे निशाना देव बधुना चहि कर गाना ब्रह्मा दिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसन्न देहि असीसा बरसै सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला रही भुवन भर जय जय बानी धनुष भंग तुन जात न जानी मुदित कहै जह तह नर नारी भंजहु राम संग धन भारी बंदी मांगत सूद गन विरुद्ध बदहि मित धीर करहि निछावर लोग सब है गय धन मन चीर झांझ मृदंग शंख सहनाई भीड़ ढोल धुंध भी बजाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुगतिन मंगल गाए सखन सहित हर्षी सब हर्षी अति रानी सूकत धान पराजन पानी जनक लहु सुख सोच बिहाई पैरत थके था जन पाई श्रीहत भय भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप अच्छा भी छूटे सीए सुखे बरनी के ही भांति जन चात की पाई जल साती राम ही लखन बिलोकत कैसे सस ही सकोर किशोर जैसे सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम कहे की ना संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार गवनी बाल मराल अति सुषमा अंग अपार सकिन ब्रज सिय सोहति कैसे छवि गण मध्य महा छवि जैसे कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जहि छाई तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लख परै न काहु जाइ समीप राम छवि देखी रही जन कुंवर चित्र अवरेखी चतुर सखी लख कहा बुझाई पहिरावो जय माल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विबस पहिराई न जाई सोहत जन जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जय माला गावहि छवि अविलोक सहेली दिय जय सिय जय माल राम उर्मे रघुबर उर जय माल देख देव बर सहि सुमन सकुचे सकल भुवाल जन बिलोक रवि कुसुम कुमुद गन अरुद्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सध राजे सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कहते ही असीसा नाचे ही गाँव ही विबुद्ध बडूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही
बंदी बिरदावली उच्च रहे मही पाताल नाक जन व्यापा राम सीय भंज चापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर भित विसारी सोहत सीय राम के जोरी छवि सिंगार मन हुए किठोरी सखी छगहि प्रभु पद कहु सीता करति न चरम परस अति भीता मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी गौतम तिय गति सुरत करि नहि परसद पग पानि मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जान तनसी देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूर मन माके उठ उठ पहिर सनाह अभागे जह तह गाल बजावन लागे ले छड़ाई सी कह को धरि बांधो नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवर को बरई जो भी देहु कछ करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुन बानी राज समाज ही लाज लजान बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिदाई सोई सूरता की अब कहु पाई असि बुद्ध तो विद मुह मसलाई सो तुम जान हु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी देखो राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को हु लखन रोष पावक प्रबल जान सलब जन हो बैन ते बल जिम चहु कागु जिम ससु चह नागे भाग जिम यह कुशल अकारण को ही सब संपदा चहे सिद्रो लोभी लो लुप कल की रत चहाए अकलंकता की कामई लहे हर पद विमुख परम गति चाह तस तुम्हार लाल चुनर ना कोलाहल सुन सीय सकानी सखी लवाई गई जहरानी राम सुभाए चले गुर पाहे सी सने बरनत मन माहे रानिन सहित सोच बस सिया अब धो विधि दिकाह करनिया रूप बचन सुन इत उत तकही लखन राम डर बोल न सकही अरुण नयन भक्ति किटकुटिल चितवत नपन सकोप मनहु मत गज गन निरकी सिंह किशोर चोप मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी बहुत अच्छा सरिता जी आज क्राइसिस मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया अरे हम तो सोच रहे थे याद कर ही नहीं पाएंगे पाठ रोना आ रहा था हमको तो आपकी आवाज भी ऐसे ही लग रही थी कोई नहीं चलिए बहुत सुंदर पाठ किया आपने रहते चेता है चलो धन्यवाद कर लिया पाठ अच्छा है देर आए दुरुस्त आए अरे बहुत बढ़िया किया सरता देखिए आपके जमाल का प्रश्न बहुत बढ़िया आज की व्याख्या तो कृपया आप अपना अपना ऑडियो बंद कर दें और सरिता जी अपनी जी, सभी को जय सिया राम कल बिटिया मानवी ने तो जो बहुत सुंदर विवेचना की और वहां तक प्रसंग आ गया था कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मतलब लेके और जनकपुरी आ गए थे तो प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब जनक जी के निमंत्रण पर प्रभु राम और लक्ष्मण
सीता स्वयंवर में जनकपुरी पहुंचते हैं। वहां पर बाग, तड़ाग, सरोवर आदि देखकर राम लक्ष्मण बहुत हर्षित होते हैं। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो सारे संसार को मोहित करता है। आज वो भगवान राम व लक्ष्मण के को परम आनंदित कर रहा है। राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने वाटिका में आए हुए हैं। उधर माता जानकी स्वयंवर से पूर्व माता की आज्ञा से गौरी पूजन के लिए आती हैं, वहां पर आती हैं। आज भी हमारे यहाँ ये प्रथा है कि कन्या विवाह से एक दिन पूर्व गौरी पूजन के लिए जाती है। तो सीता जी के साथ उनकी सुंदर सखियां हैं, जो मनोहर गीत गाते हुए चल रही हैं। सीता जी जी शोभा की सुंदरता शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। बाबा तुलसी कहते हैं कि सीता जी के सौंदर्य के समक्ष समस्त लौकिक उपमाएं तुच्छ हैं। उधर राम जी भी अतुलनीय शोभा की खान है। पुष्प वाटिका में सीता और राम का मिलन वस्तुतः शील और सौंदर्य का अनुपम मिलन है। श्री राम की मुख शोभा शब्दों में नहीं बखानी जा सकती, और सीता जी का सौंदर्य भी शब्दों की सीमा में नहीं समाता। औचित्य और मर्यादा का उल्लंघन महाकवि तुलसीदास जी के काव्य का भी सौंदर्य नहीं है। श्री राम जी स्वयं सीता जी के सौंदर्य के वर्णन में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। आज उनकी दशा अद्भुत बन गई है। कहते हैं, आज क्या हो गया है, हमारा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। रघुवंशन कर सहज स्वभाऊ, मन कुपंत पग धरै न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नार न हेरी। सीता जी के कंकन करधनी और पायल की ध्वन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र पर कामदेव की विजय घोषणा का दंभ भर रही है। समस्त विश्व को अपने रूप में आकृष्ट और मोहित करने वाले श्री राम सीता जी के अलौकिक रूप लावण्य को निहारते रह जाते हैं। वहीं राम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके जीवन में सीता के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। माँ सीता को भी नारद के वचन की याद आती है। वे माँ गौरी के मंदिर में अपने लिए सुयोग्य वर मिलने के लिए पूजन करती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस गहि चरण गहे बैदेहि। सीता जी कहती हैं कि माँ आप मेरा मनोरथ जानती हैं। ऐसा कहकर सीता गौरी माँ के चरण पकड़ लेती हैं। सीता जी की करुण पुकार सुनकर गौरी माता प्रसन्न होती हैं। उनके गले की माला सीता जी को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। माँ गौरी कहती हैं, सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन का मुन्ना तुम्हारी, मन जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। इस प्रकार माँ गौरी का आशीष पाकर सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके बाएं अंग फड़कने लगते हैं, जो शुभ सूचक हैं, और वे आह्लादित मन से राजमहल लौट जाती हैं। फिर आगे का प्रसंग है। रंगभूमि में दोनों भाई के आने की सूचना मिलते ही नगर निवासी रंगभूमि की तरफ आने लगते हैं। चतुर और उत्तम यज्ञशाला में श्री राम और लक्ष्मण गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर प्रतीत होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी राम जी की सुंदरता के का नक्षिक वर्णन करते हैं। दोनों राजकुमार वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है, बिना किसी बनाव श्रृंगार के, स्वभाव से ही मन को हरने वाली है। करोड़ों काम देवों की उपमा भी उनके सम्मुख तुच्छ जान पड़ती है। उनका सुंदर मुख पूर्णिमा के चांद को भी निंदित करने वाला है। उनके कमल के समान नेत्र मन को भाने वाले हैं। सहज मनोरथ मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। वहां पर उपस्थित रणवीर राजा प्रभु को ऐसे देख रहे हैं जैसे स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो, जबकि कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं, मानो कोई भयानक मूर्ति हो
मूर्ति हो। छल से जो राक्षस राजाओं के वेश में आ गए, भगवान उनको साक्षात काल के समान दिखाई दे रहे हैं। विद्वानों को राम विराट रूप में दिखे, जनक समेत सब रानियां राम को अपने बच्चे के सदृश देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही हैं, वो अलौकिक सुख और स्नेह कहने में नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय से अनुभव कर रही हैं। इस प्रकार जैसा जिसका भाव है, भगवान उनको वैसे ही दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यहाँ सबने राम को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, किंतु इसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। यज्ञशाला में राम की उपस्थिति से ही सभी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। सबसे सुंदर मंच पर गुरु विश्वामित्र सहित दोनों राजकुमारों को राजा जनक बिठाते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ मंडप में विराजमान जानकी जी की रूप और गुणों की खान है। उनके समक्ष काव्य की सभी उपमाएं महत्वहीन है लगती हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि लौकिक जगत की स्त्रियों की क्या कहे, देवताओं की पत्नियों से भी उनकी कोई बराबरी नहीं है। वे कहते हैं सरस्वती माँ अधिक बोलने वाली है, पार्वती जी अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा शरीर ही स्त्री का है। कामदेव की पत्नी प्रति कामदेव को बिना शरीर का जानकर दुखी रहती हैं। वे लक्ष्मी जिनके विष और खारे समुद्र जैसे भाई हैं, उनके समान तो सीता जी हो ही नहीं सकती। ऐसी सीता जी ने जब रंग भूमि में पैर रखा तो जगत जननी माँ सीता की छवि देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। शिव जी का धनुष, अब आगे यह है कि शिव जी का धनुष उठाने का प्रयत्न स्वयंवर में आए राजाओं ने प्रारंभ किया, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो गए, राजाओं को असफल देखकर राजा जनक अकुला जाते हैं और कहते हैं कि यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ये प्रहण नहीं करता। अब जनका मख भर मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तज हूँ आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जनक जी कहते हैं कि लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर बचा नहीं है, ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। सीता जी का मन भी विचलित हो जाता है। उस समय लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, किंतु राम उनको शांत करके बैठा देते हैं। तब विश्वामित्र जी उचित और शुभ समय जानकर प्रेम पूर्वक वाणी से राम को कहते हैं, उठहु राम बंधो भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। हे पुत्र उठो और शीघ्र ही इस भवसागर रूपी धनुष को तोड़कर जनक जी की पीड़ा का हरण करो। इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं, प्रेम और निर्मलता की आवश्यकता है। राक्षसों सहित अन्य राजा जैसे जैसे धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं, वो और भी भारी होता जाता है। वो दिव्य धनुष था। वे राजा धनुष के पास अपना अहंकारी शक्तिशाली रूप लेकर गए। जब प्रभु राम की बारी आई, वे समझते थे कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये उनके आराध्य शिव का धनुष है। इसलिए सर्वप्रथम राम जी ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम किया, तत्पश्चात धनुष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करी, उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु की विनयशीलता व निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः तिरोहित हो गया। उन्होंने धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसे झुकाते ही धनुष टूट गया। कहते हैं कि जैसे सीता माता शिव का ध्यान करके सहज ही धनुष को उठा लिया करती थी, उसी प्रकार राम जी ने धनुष उठाया और सफल हुए। इस प्रसंग का वर्णन बाबा तुलसी ने अपनी कृति कविता वलय में घनाक्षी शब्द के छंद के माध्यम से बहुत सुंदर सा किया है। मयन महनपुर दहन गहन जानी, आनी के सब एक सारू धनुष गढ़ायो है। मयन महनपुर दहन गहन जानी, आनी के सब एक सारू धनुष गढ़ायो है। जनक सदिश जेते भले भले भूमिपाल, किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है।
कुलिस कठोर कर्म पीठ ते कठिन अति हट न पिनाक काहू चपर चढ़ायो है। तुलसी सो राम को सरो के सरोज पान पर सती टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के नाशक शिव जी त्रिपुरारी त्रिपुरासुर को मारने के लिए जब अस्त्रों का सार लेकर शिव धनुष को बनाया, मानो वो जनक जी की सभा में उपस्थित सभी राजाओं का सारा बल अपने आप में खींच लेता है और अपना बल बढ़ाता है। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े धनुष को कोई भी नहीं उठा पाया। वही धनुष राम जी के कर कमल से छूते ही टूट गया। मानो बचपन से ही महादेव ने उसे यही पढ़ाया था कि जब रामचंद्र जी छुए तभी टूटना। अब उसके बाद प्रसंग है कि धनुष टूटते ही सब लोग प्रसन्न हुए। आकाश में तेज आवाज में नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं नाचने नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनेश सब प्रभु की प्रशंसा कर आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा हो रही है। किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। उसके बाद जगत जननी माँ सीता प्रभु के पास गुरु की आज्ञा पर आती हैं। सखियों के कहने पर बहुत संकोच से वे राम के गले में जयमाला पहनाती हैं। रघुनाथ जी के वक्षस्थल पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। ये सब देख कुटिल कपटी राजा बहुत क्रोधित होकर उल्टे सीधे वचन बोल रहे हैं। दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सीता जी सोच में है कि विधाता अब क्या करेगा। राजाओं के इस प्रकार वचन सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हैं, भौवें टेढ़ी हो गई हैं, राजाओं की तरफ क्रोध से देख रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं जैसे मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। अब वो और सभी राजा जो है वो अपने क्रोधित होते हुए और जो भी आए हुए थे वहां पर सब वापस लौट जाते हैं। अब इसका आध्यात्मिक सार है, माता सीता और भगवान राम को सनातन संस्कृत का आदर्शतम युगल माना जाता है। इस युगल के अलावा ऐसी प्रतिष्ठा केवल शिव पार्वती को प्राप्त है। राम सीता का विवाह राम कथा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैदिक चिंतन प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम की संज्ञा देता है, माँ जानकी को मूल प्रकृति की। उनका विवाह प्रकृति और पुरुष का मिलन है। माँ सीता और राम अभिन्न हैं। ये अभिन्नता मानस में इस तरह से वर्णित है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात राम और सीता उसी तरह अभिन्न हैं जैसे वाणी और उसका अर्थ, जैसे जल और उसकी लहर। लहर कहने में तो ये अलग हैं पर वास्तव में एक हैं। परशुराम और जानकी विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं। उनके विवाह की पृष्ठभूमि उनके अवतरण से पूर्व ही रखी जा चुकी थी, क्योंकि यदि उनका अवतरण नहीं होता और राम सीता का विवाह नहीं होता तो रावण और उत्पाती राक्षसों का अंत होना संभव नहीं था। पृथ्वी पर उनका स्वयंवर अलौकिक जगत के लौकिक आयोजन की लीला है। यहाँ पर भवचापा शब्द से अर्थ है कि भगवान संसार के कष्टों को दूर कर सभी दुखी जनों के संताप को मिटाकर भवसागर से पार लगाएं। अब इस प्रसंग से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वाटिका में सीता और राम का मिलन दिव्य व मर्यादित है, जबकि विवाह के लिए दोनों आश्वस्त व दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दूसरा, ईश्वर का पर आसक्ति व दृढ़ विश्वास। माता सीता व माँ गौरी पर विश्वास करके ही जान जाती हैं कि उनके अनुरूप ही कार्य होगा। तीसरा, अहंकारी व्यक्ति सदैव असफल होता है। काम के पूर्ण होने में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। चौथा, गुरुजनों का आदर व सम्मान। जब तक गुरु विश्वामित्र ने प्रभु राम को आज्ञा नहीं दी तब तक राम शांत बैठे रहे। धनुष तोड़ने से पूर्व सर्वप्रथम वो गुरु चरण वंदन किया उन्होंने। संतुष्टि व संयम। जब राम धनुष भंग करने के लिए उठे तो उनके चेहरे पर हर्ष विषाद कोई भाव नहीं था, वे सहज व संतुष्ट थे। छठा है, विनम्रता व सहनशीलता। धनुष तोड़ने हेतु सभी घमंडी राजा अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गए थे,
प्रत्येक को यही लगता था कि वही धनुष भंग करेगा, किंतु असफल रहे। प्रभु राम बहुत ही विनम्र भाव और सरल भाव से उठे, इसलिए सफल रहे। एक बात और कहने की, अगर आपको विवाह की रीतियां नहीं आती हैं तो आप मानस खोल के राम विवाह का प्रसंग देख लीजिए और उसमें सब शादी की विधियां करते जाइए, तो आपका विवाह पूरा हो जाएगा। और अंत में बस यही कहना है, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सिए राम मैं। जय सिया राम। बहुत सुंदर। अच्छा है सविता जी, आध्यात्मिक विश्लेषण अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा जी। धन्यवाद, अच्छी तरह से समझाया, धन्यवाद धन्यवाद सबका। हम तो सोच रहे थे आज कर ही नहीं पाएंगे कुछ, लेकिन बहुत अच्छा किया सरिता जी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। दीदी बहुत अच्छा, आपने बहुत ज्ञान वर्धक ज्ञान दिया, धन्यवाद धन्यवाद। कविता वली का उल्लेख जो आपने किया, उससे उसको सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से किया। बहुत अच्छा आपने संकलन किया और जो भी रेफरेंसेस दिए अपने तथ्य के साथ दिए, बहुत सुंदर, रियली बहुत बढ़िया। देर आए दुरुस्त आए। आपको डबल डबल फायदा मिल गया, पाठ भी मिल गया, समीक्षा भी मिल गई, ये तो कैसा है? तो राम जी, भगवान की राम की कृपा है सब। राम जी की कृपा है जी। बहुत अच्छा किया सरिता जी आपने। और एक बात और जोड़ना चाहते हैं, अभी पता चली हमको कि आपकी आवाज मधुर है, गाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर, और मतलब सुनने वाला ही उसमें डूब जाता है भक्ति में। और सबसे बड़ी बात, आज जो प्रसंग था वो बहुत अच्छा था। उधर जो है दक्षिण भारत में तो कहते हैं कि जिन जहाँ शादियां नहीं होती लड़कियों की, उनको उसको सीता कल्याणम कहते हैं, वो सीता विवाह, राम सीता का विवाह करके, तो सीता को चूंकि वो महालक्ष्मी के रूप में देखते हैं ना, तो नॉर्थ में तो कहते हैं कि उस दिन शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां पर ये विशेष उसका महत्व है कि अगर बच्चों की शादी में देर हो रही है तो आप सीता कल्याणम का पाठ करिए या कराइए, जैसे रुक्मिणी मंगल कराते हैं वैसे सीता कल्याणम का भी उतना ही महत्व है। बल्कि एक बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर साउथ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, वहां सीता कल्याणम होता है, वहां लोग जाते हैं और बड़ी भीड़ होती है, बाकायदा उनका रथ आता है, जैसे रामलीला होती है ना वैसे, संस्कृत के श्लोकों के साथ। बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर, हम तो हुआ है वहाँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपके कार्यक्रम पुनाहुति करें, ये बात पहली बार पता चली है, सीता कल्याणम पाठ कराना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सुना मतलब बहुत लोग हैं जान पहचान के, उन्होंने बताया ऐसे, वो तो हमें आइडिया नहीं था। हाँ नहीं, और वो एक ऐसा मंदिर है, बात हुई तो बता दें कि वहाँ के नवाब, वहाँ जो भक्त थे, रामदास का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कवि थे, तो उन्होंने वो राजा के ट्रेजर थे, उन्होंने जो टैक्स आता था उसको लेके बड़ा सा मंदिर बनवा दिया, राजा ने जेल में डाल दिया, तो राम जी ने उनको दर्शन देके कहा तुमको क्यों नहीं उसको छोड़ते हो, तो उसने कहा हमको पैसा चाहिए। दूसरे दिन जब वो सो के उठा तो उसके बगल की मेज पर उतनी ही अशर्फियां रखी थी और सब पे राम राम लिखा हुआ था। उसने फिर भी नहीं, पैसे ले लिए, छोड़ा नहीं। तब राम जी ने, जो एक के बाद एक उनके घर में लोग मरने शुरू हो गए, तब उसने छोड़ा और कहा कि ये सारी जमीन, सारा मंदिर सब तुम्हारा है, तुम कुछ करो। तो रामदास ने कहा हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे भगवान ने हमारी इतना कष्ट उठाया, हम ये चाहते ही नहीं थे, तुमने हमको छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम वही बह के भजन करेंगे। बड़े सुंदर भजन है उनके। बहुत अच्छी जानकारी दी, आप लोगों का। सरिता जी आपको देर हुई शुरू में, शायद आप नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है, फिर आपको अवसर मिलेगा। आधार आपका जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, आपने कोई बात नहीं, आपने शुरू की कमी पूर्ति कर। अब मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ शांति पाठ के साथ। ओम सर्वेषां
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 जय श्री राम सब लोग को प्रणाम नमस्कार।